वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंद जान में आपका स्वागत है। ऊपर वाले के रहमकरम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में मैं इमरान खान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, काफ़ी फ्रेंड्स हमारे परेशान चल रहे हैं कि गर्मी के मौसम में कबूतरों को ताव लग रहा है और कबूतर सोखे में आ रहे हैं। तो सोखे में जो हमने पहले नुस्खा डाला हुआ था तो उसमें एक गोली जो है हमने नई ऐड की है, जिससे रिजल्ट वाकई बहुत अच्छा मिल रहा है और दवाई जल्दी काम करती है। तो उसमें फ्रेंड कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने उस वीडियो में खाली गोलियों के नाम बता रखे हैं यार, हमें समझ में नहीं आते। और जिसकी वजह से फ्रेंड मेरे को बार बार कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब यार, जो आपने सोखे की वीडियो बनाई है उसमें आपने क्या क्या बता रखा है, तो आप प्लीज़ हमें वो बताएं उसमें क्या क्या दवाई डाल रखी है। और बहुत से कहते हैं जी बनानी कैसे, उसका करना क्या है, गोली देनी है, टुकड़े देने हैं, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स हमारे इतने अनजान हैं जो नए कबूतरबाज हैं, उन्हें यही नहीं पता हमने करना क्या है, दवाई देनी कैसे है। क्योंकि बहुत सौ ने हर बीमारी का एक इलाज यूट्यूब पर डाला हुआ है, टेरामाइसिन, हर चीज में टेरामाइसिन, सोके में टेरामाइसिन, नज़ला जुखाम हो रहा है टेरामाइसिन, कबूतर लकवे झोले में उसमें भी टेरामाइसिन। तो दोस्तों, इस तरह देखो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, सबसे पहले आप अपने ऊपर ले लो। ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूँ, हमेशा आपके फ़ायदे की बात करता हूँ मैं, कि मैं समझा क्या रहा हूँ। आप अपने ऊपर लीजिए, मान लो आपके पेट में दर्द हो गया, टेरामाइसिन सही हो जाओगे। मान लो आपको 104 बुखार है, मैं टेरामाइसिन दे देता हूँ, ठीक हो जाओगे। मान लो आपको मिर्गी का दौरा पड़ गया, ठीक है, जैसे कबूतर कहता है लकवा पड़ गया। लकवा जो होता है एक तरह का वायरस होता है बुखार का, उसको चेक करने का तरीका बहुत ही बारीकी से होता है, बगलें देखनी पड़ती हैं उनकी, जब टेम्परेचर आता है गर्म हवा उनकी नाक, ये चीज़ मतलब टेम्परेचर हाई होता है, काफ़ी बारीकी से इसको देखा जाता है। जिनको प्रॉब्लम होती है हमेशा बगल से वे हीट मारेंगे, जिनको जब बुखार होता है अटैक में जब कबूतर जाता है, नाक से या मुंह से उसकी गर्म सांस आती है बदबू वाली, और जब वो अटैक में जाने वाला होता है हौली हौली बीमार होता जाएगा और अटैक में आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, जो अटैक में अगर आपको टेरामाइसिन दी जाए कि आप उससे ठीक हो जाओगे। बहुत से लोगों ने वीडियो बना रखी कि जी टेरामाइसिन दे दो और लकवे में कबूतर ठीक हो जाएगा, तो ऐसे बात नहीं है। हर बीमारी का अलग इलाज होता है, जैसे इंसान को बुखार है तो उसकी अलग दवाई चलती है, पेट में दर्द है तो उसकी अलग दवाई चलती है, गैस बन रही है तो उसकी अलग दवाई चल रही है। तो कभी भी किसी की वीडियो देख रहे हो ना तो सोचो वो क्या क्या रहा है, क्या वो चीज़ वहाँ काम करेगी। अब आप ही लगा लो, मिर्गी में टेरामाइसिन आपको दें आप ठीक हो जाओगे। इंसान अगर एक डॉक्टर से दवाई सही नहीं बनती तो वो डॉक्टर बदल दिया करता है, दूसरे के पास चला जाता है। ऐसे ही YouTube पर अगर आपको किसी का नुस्खा समझ में नहीं आता, दूसरे का नुस्खा देखो। ये नहीं कहता कि आप मेरे नुस्खे देखो, मेरे समझ नहीं आता आप किसी के भी देखो, बस आपका भला होना चाहिए, कबूतर ठीक होना चाहिए, किसी के भी नुस्खे देखो, किसी का भी नुस्खा आप इस्तेमाल करो। तो दोस्तों चलो अब हम बताते हैं कि सोखे की बीमारी में आपने क्या इस्तेमाल करना है। जब कबूतर सोखे में आ जाए, इस टाइम टेम्परेचर जैसे हाई चल रहा है, लोग बाग अपने कबूतर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, बहुत से कि दरबे में बंद कर देते हैं, उसमें हवा पास नहीं होती, गैस नहीं हो पाती और कबूतर ताव आ जाता है, जिससे कबूतर सोखे में आ जाता है। तो जो अब उसमें दवाई डालने में एक एक शो कर रहा हूँ आपको, प्लस उसकी स्टिक पत्ता में यहाँ शो करता रहूँगा, आपको दिखाता हूँ आप इसमें डालना क्या है। तो इसमें आप सबसे पहले सिप्रोवेट, दो टैबलेट लेनी है आपने, सिप्रोवेट 500, यहाँ पत्ता शो कर दूँगा आपको, सिप्रोवेट 500 ये पत्ता आपने लेना है, दो गोली ये लेनी है आपने। इसके बाद आपने लिव 52, लाल रंग की इस तरह गोली आती है हिमालय की, हिमालय की लिव 52 10 टैबलेट। दस ये डल गई। इसके बाद आपने हिमालय की गैसिक्स 10 गोलियाँ लेनी है, काले रंग की आती हैं हिमालय की गैसिक्स 10 गोलियाँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि भाई हमारे जो बिल्कुल अनजान होते हैं, जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, यार डॉक्टर साहब ने बता तो दिया वो होती कैसी दिखती कैसी, हर दवाई का पत्ता यहाँ शो होगा, हर दवाई मैं यहाँ शो करूँगा, दिखा भी रहा हूँ, प्लस आपको ये डब्बी इनकी शो करता रहूँगा, एक सेट में आती रहेंगी जो आपने लानी है। इसके बाद इसमें आपने क्या डालना है,
तो वो ये गोली थी जो मैंने बाद में ऐड की है इसमें, पेंडिट 4 लाख, ये पेंसिलिन 400, ये है देखिए पेंडिट 400, दो टैबलेट ये डालनी है आपने। सुपराडाइन 10 गोली ये डालनी है आपने सुपराडाइन। अगर ये ना मिले तो इसकी जगह आप बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल ले लें 10, ठीक है दोस्तों। सुपराडाइन अगर ना मिले तो इसकी जगह आप बी कॉम्प्लेक्स 10 कैप्सूल ले सकते हो। तो इसका पूरा पता भी यहीं पर शो कर दूंगा मैं आपको। अब इसमें आपने क्या डालना है, टेरामाइसिन, भैंसों वाली टेरामाइसिन 500 mg में, दो टैबलेट आपने ये डालने हैं, ठीक है दोस्तों। लास्ट सिलाजीत गोल्ड, आप समझ गए होंगे सिलाजीत गोल्ड कहाँ इस्तेमाल होता है, बताना था। ये सिलाजीत गोल्ड 2 कैप्सूल इसमें आपने डालने हैं, ठीक है दोस्त। ये ओपन करके डालने हैं आपने, इस तरह खोल ले इसका कैप, और इसको बिल्कुल बारीक करके पीसना, बिल्कुल पाउडर बना देना आपने इसको, ठीक है। तो दोस्तों इसको जहाँ तक हो बिल्कुल बारीक पाउडर कर, पाउडर की तरह पीसना, बिल्कुल बढ़िया करके इसको पीसो, बिल्कुल पाउडर, क्योंकि ये जो हमने इसमें सिरिंज में इस्तेमाल करना है, सिरिंज से ही इसको हमने देना जो सही तरीका है, ठीक है। तो इसमें जब अगर इसकी कोई बीच में गोली सही तरह नहीं पीसती, मोटी रह जाती तो वो यहाँ फंस जाया करती है, जब आप इसको पुश करके उसमें डालोगे ना कबूतर के मुंह में तो ये जाएगी नहीं, तो इसीलिए इसको हमने बिल्कुल बारीक करके पीसना है, जितना बारीक हो सके उतना बारीक करके पीसना। बढ़िया, मेहनत का फल मीठा होता है, करो मेहनत, असली मेहनत तो यही है पीसने की से। ये पीस चुका है, बेहतरीन वाला, बढ़िया। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, देखो एक भाई ने कमेंट किया और कॉल भी आई थी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब यार जब हम दवाई पीस लेते हैं उसको इंजेक्शन में भरे कैसे, कर लो बात यार इतने अनजान, कहते किस चीज़ से इसे इसमें डाल ले, हाथ से चम्मच से, कह रहा चम्मच से अगर हम इसको डालते हैं वेस्ट होती है, किस चीज़ से हम इसको इसमें डालें सिरिंज में। देखो आपने सिरिंज लेनी है, इसमें डालने कैसे सारा कुछ आज आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताऊँगा कैसे डालना कैसे करना है। सिरिंज लेनी है ये आपने 2 ml वाली, ठीक है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा 0.5, ये रहा यहाँ, यहाँ तक आपने दवाई देनी है, ये जो काला लिखा हुआ रहा 0.5 यहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक 0.5 0.5 ml, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक दवाई देनी है, बिल्कुल बढ़िया बारीक करके पीस लें आप, ठीक है। और अब आपने इसमें दवाई भरनी कैसे है, ये केप इसका ऊपर का आप निकाल लें, निकल गया ये, ठीक, इसको निकाल लें आप। दवाई इसमें डालने किस चीज़ से है, देखो वो सिखाता हूँ मैं आपको किस चीज़ से आप इसमें दवाई डाल लें। जो भैंसों वाली 2 टैबलेट डालनी ना आपने टेरामाइसिन, ये ले लेना आपने ये, ठीक है। इसको आपने फोल्ड कर देना है इस तरह, ये पूरा है ना, इसको आधा फोल्ड कर दें आप, आधा फोल्ड हो गया। अब आप इसको यहाँ से आधे में से फिर दोबारा आप इसको दबा दें, यहाँ उंगली रख लें, यहाँ से इसको ऐसे दबा दें, तो यहाँ से कुछ इस तरह ये चम्मच की तरह हो जाएगा, देखिए हो गया चम्मच की तरह ये। अब आप इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड कर दें ताकि इसकी ये डंडी सी मजबूत हो जाए और ये ख़राब ना हो, और आगे से इसको बिल्कुल चम्मच की तरह गोल बना लें, छोटा कर लें इसको बिल्कुल,
ये रहा, ये देखो सिंपल सा है, पूरे इंजेक्शन के मुंह के बराबर। जब आप मेडिसिन लोगे इसमें, ये है ना, इसमें ऐसे डालोगे, बिल्कुल दवाई वेस्ट नहीं होगी। अब आप कागज़ से डाल रहे हो, कभी किसी चम्मच से डाल रहे हो, कह रहे डॉक्टर साहब आधे से ज़्यादा दवाई यार वेस्ट हो जाती है, ये पिसवा दिया आपने, इसका कोई और तरीका नहीं है देने का, या कोई और एक एक गोली नहीं है जो एक ही गोली काम कर जाए। तो देखो डॉक्टर भी जब हम दवाई लेने जाते हैं ना, तो 7-8 गोली बांध देते हैं एक खुराक में खाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह इतनी गोली पीस के पाउडर बन गया, कबूतर को डायरेक्ट गोली नहीं दे सकती इतनी सारी, तो पीस के इनकी मात्रा कुछ मिक्स हो जाया करती है और सही रिजल्ट हमें मिल जाया करता है। और ये देखिए आप इस तरह चम्मच बना ले दोस्तों, ठीक है, और इसे एक डब्बी में कर लें, प्लास्टिक की डब्बी, जो हिमालय की गोली लाओगे वो खाली डब्बी, उनसे कह देना मेडिकल स्टोर वाले से कि जी अगर आपके पास अगर खाली डब्बी, एक खाली डब्बी दे दो, वहीं से एक खाली डब्बी मांग के ले आना, हिमालय की मिल जाए कोई सी भी इतनी बड़ी जिसमें आप ये पीसी हुई दवाई रख। तो जब ये इस तरह तैयार हो जाए दोस्तों आपने, ठीक है, चम्मच की तरह यहाँ से गोल कर लें और इतना मुँह रखें कि सीधा इसके ऊपर इस तरह चली जाए। ये आपने ये दो उंगली आपने हमेशा यहाँ कैप के ऊपर रखनी है जहाँ दवाई डालनी है, इस तरह, ठीक है दोस्तों, इस तरह पकड़नी है। जब दवाई डालनी है आपने तो ये इस तरह होनी चाहिए, ये इस तरह, जब इसे उठाओगे यूँ डालोगे सीधी डायरेक्ट अंदर, जरा सी भी वेस्ट नहीं होगी। यहाँ रखो, इस तरह इसको पकड़ लो, ये देखो पकड़ा हुआ है मैंने, जब इसमें दवाई होगी ना पकड़ो सीधा अंदर अंदर। अब आपको डाल के दिखाता हूँ। लोग कहते डॉक्टर साहब दवाई बहुत वेस्ट होती है, आप कैसे कैसे तरीके बताते हो आप। तो ये इसमें मेडिसिन आ चुकी है, ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ पकड़ लिया, ये देखिए मेडिसिन बीच में, इसको ऊपर उठा दो, तो ये इसमें मेडिसिन आ चुकी है, ठीक है दोस्तों, इसमें हल्की सी दवाई ज़्यादा चली गई है, तो इसको निकाल लें आप, क्योंकि उसमें जब चम्मच में दवाई लेते हैं मात्रा का पता नहीं चलता कितनी चली गई, ज़्यादा चली जाए तो निकाल लेना दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि जो चली गई उतनी दे दे, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें दवाई आ चुकी है, अब आपने क्या करना है, कैप ले लगा दे ऊपर, ये देखिए .5 mg, 0.5 ml दवाई इसके अंदर है, ध्यान से देखिए दोस्तों, बार बार दिखा रहा हूँ। आप बहुत कहते हो कि डॉक्टर साहब यार दवाई देनी कितनी है समझ में नहीं आती, ज़्यादा चली जाती है या कम जाती है उसमें, और ज़्यादातर भरने में दवाई वेस्ट होती है, ध्यान से देखो, बिल्कुल आधा ml दवाई, फिर एक बार देख लो, 2 ml की सिरिंज है, 0.5 ml दवाई, ठीक है दोस्तों। इसको आपने करना क्या है, देखो अभी रात के 10 बज रहे हैं भाई, पम्मा भाई हमारे नीम चौक वाले हमें मिलने आए हुए थे और दवाई हमारे पास ख़त्म हो चुकी थी। देखो मेरे पास कबूतर है, गर्मी का जैसा मौसम हो रहा है तो दवाई किसी ना किसी को देनी पड़ती, किसी ना कोई रीज़न छत पे हो जाता है। ये दवाई कम से कम 20 बीमारियों में काम करती है, ध्यान से सुनना दोस्तों। जैसे कि कबूतरी ने अंडे रखे हुए हैं, अंडे रखती है और अंडे रखने के बाद अगर पैर रुक जाए उसके, 0.5 ml भरो उसी टाइम दे दो, उसी टाइम ठीक, दोबारा दवाई देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसी टाइम ठीक, हाथों हाथ। कबूतर की अगर बाजू रुक रही है, मोटे डाल रहा है, यही दवाई दे दो उसी टाइम ठीक। कबूतर अगर आपको लग रहा है सुस्त बैठ रहा है, दीवार पकड़ रहा है, ढीला लग रहा है, दाना कम खा रहा है, उसी टाइम दे दो ठीक। एक होता है कि कबूतर सोके में आ गया, सुस्त बैठ गया, बहुत ज़्यादा हल्का हो गया, फिर तो ये 3-4 दिन 5 दिन 6-6 दिन भी देनी पड़ती है, तब जाके ठीक होता है। मगर अगर कबूतर की बीमारी अगर हाथ वाथ दिख जाए ना कि यार आज ही सुस्त है, उसी टाइम दे दो उसी दिन ठीक, इतना अच्छा रिजल्ट है इसका, इस्तेमाल करके देखो आप। तो मेरे घर दवाई ख़त्म हो चुकी थी, तो हमने सोचा हमारे भाइयों की काफ़ी दरख्वास्त है, काफ़ी फोन्स कॉल हैं और बार बार कहते हैं डॉक्टर साहब यार सोके की बीमारी का नुस्खा है, दवाई है उसमें शो नहीं हो रही है, और बनानी कैसे, लानी कैसे, करना क्या है। तो आज हमने सोचा बिल्कुल सारा कुछ बता देते हैं भाई। तो इस तरह आपने ये लेना है,
पानी वाला गिलास, पानी में इसको आप, इसमें पानी नहीं है भाई, ना ही यहाँ कबूतर है, मैं आपको सिर्फ आप शो करता हूँ करना क्या, पानी लेकर के इसको ऊपर खींच ले इस तरह। जब ये ऊपर आ जाए ठीक है, तो इसको आप इस तरह हिला लें बढ़िया करके, क्योंकि इसमें जो दवाई है वो यहाँ दब जाती है, आप इस तरह हिला लें उसको तो दवाई सारी इसमें मिक्स हो जाएगी। बढ़िया करके ऐसे हिलाएं, हिल गई। अब आप इसको इस तरह पकड़ें, इस तरह ठीक, इस तरह पकड़ना है। एक हाथ में कबूतर लिया, दोनों बाजू उसके ऊपर करके पकड़ी, चोंच ऊपर करी, रखी बीच में, पुश नीचे को सीधा, ये देखो सीधे उसके हलक में दबाई तो आपको समझ लीजिए, दो उंगली चोंच है कबूतर की, इसमें ये इतनी सीरीज अंदर करके, ये ढक्कन ऊपर होता है जब पानी होता है, हिलाया इसको जो है इस तरह पकड़ा हुआ है ना आपने, सीधा पुश अंदर, सारी दवाई उसके पोट में डायरेक्ट। फिर इसको पानी पानी लें एक बार और हिला लें थोड़ा बहुत, एक सिरिंज और ठीक है। आप इस तरह उसको दवाई दें और जो तरीका हमने समझाया इस्तेमाल कीजिए आप, तो जहाँ तक होगा आपका कबूतर ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर ठीक होगा। दोस्तों यदा रिजल्ट बहुत बढ़िया, तुसी वरत के देखो, ये अजमाई हुई चीज़ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। क्योंकि पम्मा भाई भी हमारे पास पहले ये मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इनके कबूतर भी बहुत बढ़िया है, यहाँ तक कि इनके जो और जानकार में है वे भी इनके पास आके ये दवाई लेके जा रहे हैं, और यहाँ हमारे मिलने वाले तो आते हैं लिखवाते ले जाते हैं। दोस्तों प्लीज़ अगर आप ये चीज़ सीख जाओ तो दूसरों की हेल्प ज़रूर करो यार, किसी की अगर जान बचती है ना, इससे बड़ा सवाब का काम, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं, किसी की जान बचाना ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ सेवा करने वाले बने। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर वीडियो बताना।